हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा इंडस्ट्रीज़ का एक वीडियोस का सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि हम आपको दिखा रहे हैं पटना में और पटना के आसपास और पूरे बिहार में कौन कौन से फैक्ट्रीज हैं। इसी के संदर्भ में हम आपको दिखाने लेके जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार पटना का फैक्ट्री। पटना में जैसा कि आपको मालूम ही है इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, परंतु उसको मेन स्ट्रीम मीडिया अपने चैनल्स पे नहीं दिखाती है। तो हमने जो है ठाना है कि हम आपको दिखाएंगे बताएंगे कि पटना में कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं और पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं उसकी हम बहुत सारी वीडियोस लेकर के आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाने लेके जा रहा पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में बना एक बहुत ही बड़ा बहुत ही शानदार सा बॉटलिंग फैक्ट्री। ये बॉटलिंग फैक्ट्री किसी और का नहीं बल्कि कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड का है। आपको मालूम ही है कोका कोला जो है एक यूएसए की एमएनसी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। और इनका बॉटलिंग प्लांट जो है पटना के पाटलिपुत्रा एरिया में, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो है लगभग 300 से 400 लोगों को काम मिला हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई सैकड़ों लोगों को यहाँ पे काम मिला हुआ है। तो यही मैं आपको दिखाने लेके जा रहा, यहाँ पे बॉटलिंग होता है, यहाँ पे कोका कोला का बॉटलिंग का काम होता है और ये बॉटलिंग का काम कई सालों से हो रहा है और कई लोगों को नहीं मालूम है कि यहाँ पे बॉटलिंग का काम कोका कोला करती है। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है, बनाई गई है। और यहाँ पे बॉटलिंग का काम कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाने लेके जा रहा इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें ताकि हम यूं ही ऐसे ही आपको पटना और बिहार के सभी अपडेट्स देते रहें।